हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये जो आप खाली पैक देख रहे हैं, ये है मैंने मंगवाए हुए ऑनलाइन फ्लावर सीड्स के खाली पैक। ये मैंने 3 महीने पहले मंगाए थे और इसको प्लांट भी किया था। ये कुछ ही पैक्स है, अभी कुछ बाकी मिल नहीं रहे थे, तो बस इतना ही आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने मंगवाए थे 220 रुपए के, 30 से ज़्यादा पैक थे मेरे पास फ्लावर की वैरायटी। तो ये मैंने प्लांट भी किए थे, लेकिन इस साल बारिश इतनी हो गई थी, ज़्यादा बारिश के कारण ये बच नहीं पाए प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे क्लाइमेट में वो प्लांट्स, वो फ्लावर प्लांट्स सरवाइव भी कर पाएंगे या नहीं। तो ये जो प्लांट्स आप अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ यही बचे हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कितने कम प्लांट्स बचे हुए हैं, कितनी मेहनत की थी इसके लिए। प्लांट्स को छोटे छोटे कप्स में लगाया था अलग अलग, और फिर इसको बाद में अलग प्लांटर में शिफ्ट किया था। उसको खाद देना, पानी देना, बहुत सारी मेहनत लगी है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इस साल बारिश ही इतनी ज़्यादा हो गई कि ये जो विदेशी प्लांट है हमारे क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाए। जब भी हम ऑनलाइन प्लांट्स मंगवाते हैं या फिर फ्लावर सीड्स मंगवाते हैं, तो हमें ये तय करना होगा कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और उस क्लाइमेट में ये सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। जैसे मैंने इतने सारे सीड्स मंगवाए थे, लेकिन 8-10 से भी ज़्यादा प्लांट्स बच नहीं पाए। तो क्या होता है कि जो जिस क्लाइमेट से ये प्लांट्स आते हैं, वहाँ का क्लाइमेट और हमारे इंडिया का क्लाइमेट, इसमें काफ़ी फर्क होता है। हम थोड़े से गर्म टेम्परेचर वाले प्रदेश में रहते हैं, तो इस प्लांट्स को काफ़ी गर्मी नहीं चाहिए उन्हें। ये सर्द इलाकों से आए हुए प्लांट्स हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम इन्हीं प्लांट्स को लगाएं जो हमारे क्लाइमेट में सर्वाइव करते हो, जो जिनकी हमें कम से कम केयर करनी पड़े, क्योंकि इन प्लांट्स के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इन्हें शेड में रखा, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, और ये बस इतने ही बचे हैं। इन सारे पौधों में बस 2 ही प्लांट्स ऐसे निकले हैं मेरे जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ये पिंक वाला और ये है एक येलो फ्लावर। तो बस इतने ही प्लांट्स मेरे अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, इन्हें अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे। ये सभी प्लांट्स अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर 2 प्लांट्स हैं, ये तो बढ़ भी नहीं रहे हैं, बस इतने थे, इतने ही रह गए। इस साल ज़्यादा बारिश के कारण बहुत से प्लांट्स मेरे खराब हो गए हैं। तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट हमेशा बदलता रहता है, कभी धूप तो कभी बारिश। इस वजह से इस तरह के डेलिकेट प्लांट्स हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डेलिकस प्लांट। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी हम ऑनलाइन प्लांट्स या फिर सीड्स खरीदें, तो ये तय कर ले कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चल पाए, उन्हीं प्लांट्स को हम ऑनलाइन खरीदें, या फिर इस तरह के डेलिकस प्लांट्स को हम नर्सरी से भी जाके खरीद सकते हैं। नर्सरी के पौधे जो होते हैं प्रॉपर केयर में बड़े होते हैं, तो उन्हें
ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हम उसे घर लाते हैं तो उनमें कलियाँ आई हुई होती है, कहीं में फ्लावर भी खिले होते हैं। तो उस तरह के प्लांट्स हम अगर नर्सरी से लाए तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो बड़े हुए होते हैं प्लांट्स और हमें उसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। जब भी हम इस तरह के ऑनलाइन सीड्स मंगवाते हैं तो हमें बहुत सा वक्त हमारा इसमें चला जाता है और हम दूसरे प्लांट्स की केयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट प्लांट्स होते हैं। तो इसी की केयर में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है। और फिर अगर रिजल्ट ऐसा हो, मेरी तरह आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बुरा लगता है कि हमारे 100 से ज़्यादा प्लांट्स मैंने यहाँ पर लगाए थे तो उतने में सिर्फ 10 से कम प्लांट्स बचे हैं। तो सोचिए कितना खराब लगता है, हमारी इतनी मेहनत, इतना इंतज़ार हमें, और ये रिजल्ट मिला है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जब भी आप ऑनलाइन प्लांट्स या सीड्स खरीदें, उसकी पूरी जानकारी के साथ खरीदें कि वो हमारे क्लाइमेट में, मौसम में टिक भी पाएंगे या नहीं। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा, और ऑनलाइन सीड्स के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।